करेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं वचन, एक वचन बहुवचन होता है ना, वैसा ही इंग्लिश में होता है नंबर। अब नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, द फॉर्म ऑफ नाउन विच सिग्निफाइज वेदर इट इज वन और मोर, एक ऐसी नाउन की फॉर्म जो आपको ये बताए कि चीज एक है या बहुत सारी है। अगर ये चीज आपको नाउन की जिस फॉर्म से पता चलती है उसको हम कहते हैं नंबर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में हमने लिखा सिंगुलर और प्लूरल, ये आपको पता चल गया होगा, सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब बहुत सारे, और सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। बॉय बॉयस, रूफ रूफ्स, मैंगो मैंगोज। तो ये जो एग्जांपल्स है उससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉय की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे मल्टीपल बॉयज हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग एक रूफ की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल रूफ्स की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक मैंगो की, यहाँ पे हो गया मल्टीपल मैंगोज। तो ये है हमारा नंबर का बेसिक्स। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में, रूल्स कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं रूल्स। रूल नंबर वन कहता है कि किसी भी वर्ड के पीछे की तरफ एस लगा दो, तो अगर एस लगाने से बन सकता है तो वो हमारा पहला रूल बनेगा। जैसे पेन के पीछे हमने लगा दिया पेन्स, हो गया प्लूरल। डॉग के साथ लगा दिया डॉग्स, तो ये भी हमारा प्लूरल हो गया। तो पहले रूल में क्या होता है, सिंपली वर्ड के पीछे जो नाउन वर्ड है उसके पीछे क्या अप्लाई कर दो, एस। रूल टू कहता है अगर नाउन जो है, जो भी वर्ड हमारे पास अवेलेबल है, जो भी हमारे पास सिंगुलर नाउन अवेलेबल है उसके पीछे अगर एस आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, जेड आता है या एक्स आता है, उस केस में आपको ई एस एड करना पड़ेगा, तब वो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस ई एस एड करने के बाद, दूसरा बस का बसेस ई एस एड करने के बाद बस का बसेस हो जाएगा, बुश का बुश हो जाएगा ई एस एड करने की वजह से, डबल एस था तो ई एस एड कर दिया, क्लासेस हो गया, वॉच का वॉचेस हो गया। तो अल्टीमेटली जब नाउन का एंड एस डबल एस सी एच एस एच जेड और एक्स के साथ होता है तब इसके पीछे प्लूरल बनाने के लिए ई एस यूज होता है, जैसा हमने यहाँ पर कर रखा है। अब बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर थ्री की तरफ। रूल थ्री कहता है Noun ends with y and vowel a e o before y। कोई भी जो वर्ड है वो y जो है उस पे एंड होता हो और उससे पहले a e o vowels आते हैं। यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे e है, यहाँ पे o है और उन सबके बाद क्या आ रहा है, y y y। तो एक ऐसे चीजों के पीछे क्या लग जाएगा, s। देखिए day का days हो जाएगा, की का कीज हो जाएगा, टॉय का टॉयज हो जाएगा। वहीं पे रूल नंबर फोर कहता है नाउन एंड्स विद वाई, नाउन वापस किससे एंड हो रहा है, वाई से एंड हो रहा है, बट उससे पहले कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो क्या लगेगा, आई ई एस लगेगा। जैसे लेडी, तो एल ए वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ पे वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ पे वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो लेडी हो जाएगा, आईपीएस लगने के बाद लेडीज हो जाएगा, फ्लाई का फ्लाई हो जाएगा और सिटी का सिटीज हो जाएगा। ये था रूल नंबर फोर। अब बात करते हैं रूल नंबर फाइव की। इस रूल में अगर नाउन एंड होता है एफ और एफ के साथ, अगर नाउन जो है वो एफ और एफ के साथ एंड होता है, मतलब ये एफ और ये एफ के साथ एंड होता है, तब उसके पीछे क्या ऐड कर देंगे, बी एस। तो देखिए इस चेंज करते हैं हम लोग, एफ को रिप्लेस कर देंगे और हो जाएगा वुल्फ, वुल्फ का हो जाएगा वुल्फ्स, वी ओ एल यहां तक, और एफ को रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, बी एस। वैसे ही वाइफ में देखिए एफ को रिप्लेस करके क्या कहला गया, बी एस, तो वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स। बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 कहता है नाउन एंड्स विद ओ, अगर नाउन ओ के साथ एंड हो रहा है तो ऐड करेंगे ई एस। तो चेक करिए हीरो, हीरो में हीरोज हो जाएगा, एंड में क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे। टोमेटो का हम क्या करेंगे, टोमेटोज, ई एस ऐड कर देंगे। यहाँ पे किसी चीज को रिप्लेस करने
क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 7, उसमें शॉर्ट फॉर्म और इंटरनेशनल वर्ड्स अगर है, शॉर्ट फॉर्म है या इंटरनेशनल वर्ड्स, जैसे किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है किलो, किलो का होता है किलो, सिंपली ऐसे ऐड कर देना है आपको, या फिर इंटरनेशनल वर्ड्स है जैसे रेडियो इंटरनेशनल वर्ड है हमारा, तो रेडियो का रेडियो हो जाएगा, सिंपल है। रूल नंबर 8 की बात करते हैं, बाय चेंजिंग वोवेल्स, वोवेल्स को चेंज करके भी आप नूडल्स बना सकते हैं, जैसे मैन, मैन एम ए एन था तो इस ए को चेंज करके हमने ई में कन्वर्ट कर दिया तो नूडल हो गया, वैसे ही देखो टूथ, टूथ का हो गया टीथ, आपको तो पता ही होगा टूथ और टीथ, टूथ मतलब एक दांत और टीथ का मतलब सारे दांत। रूल नंबर 9 हमारे पास बाय एडिंग ई एन और आर ई एन, लास्ट में ई एन ऐड करो या आर ई एन ऐड करो, ऑक्स का ऑक्सन होता है तो आपको पता ही होगा ओ एक्स और इट इज ओ एक्स ई एन, दैट इज ई एन हमने ऐड कर दिया नूडल हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन आर ई एन हमने यहां पे ऐड कर दिया, ये था हमारा रूल नंबर 9। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, नेक्स्ट रूल में कंपाउंड वर्ड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग कंपाउंड वर्ड्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या करना है, एडिंग एस इन द मेन वर्ड, जो मेन वर्ड होगा ना उसमें एस ऐड कर देना है, जैसे फादर इन लॉ तो इसमें क्या जाएगा फादर्स इन लॉ, मेन वर्ड क्या है इसमें फादर, फादर के साथ ऐड जाएगा एस, मेन वर्ड के साथ ऐड करना है, जैसे स्टेप सन तो क्या है इसमें मेन वर्ड सन, तो सन के साथ ऐड जाएगा तो स्टेप सन हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 11 चेक करते हैं प्रोनाउंस के लिए, तो आपको पता है प्रोनाउंस जो होते हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, जिसमें क्या है आई का बी में चेंज होता है, ही शी और इट जो होता है दे में चेंज होता है, हिज और हर होता है तो देयर में चेंज होता है, और भी आपके पास वर्ड्स हैं तो प्रोनाउंस को इस तरह से चेंज कर लिया जाता है, तो ये भी हमारे रूल बन जाता है। और एक रूल है हमारा रूल नंबर 12 जिसमें रिमेन सेम, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स दोनों ही सेम होते हैं, जैसे डियर का डियर कोई भी चेंज नहीं, डजन का डजन, शिप का शिप होता है ना, जो होता है ना शिप एस एच डब्ल्यू ई, आपको याद ही होगा जिसमें आपको ऑलरेडी इसका आइडिया है, फिर भी लिख देता हूँ मैं शिप का शिप। तो ये था हमारा बेसिक रूलिंग ऑफ नंबर्स, तो आप इन नंबर्स को अच्छे से लर्न कर लें, प्रैक्टिस कर लें, और साथ ही साथ में जो एक्सरसाइज भेज रहा हूँ उसको भी आप कंप्लीट कर लें।